नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस्ता आर्ट के बारे में, जो कि है बीकानेर राजस्थान की। उस्ता शब्द पर्सियन वर्ड उस्ताद से बना है, दैट मीन्स गुरु। मतलब बहुत ही एक्सपर्ट, बहुत ही जो वेल क्वालिफाइड होता है वो ही उस्ता आर्ट बना सकता है। मतलब जो गुरु लोग होते हैं, जो उस्ताद लोग होते हैं, वो उस्ता आर्ट बनाते हैं। तो उस्ता आर्ट जो है ईरान से दिल्ली होते हुए बीकानेर पहुँची, जहाँ पर इंडियन टच के साथ ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। इसमें ऊँट की खाल पर की जाने वाली मीनाकारी के काम को उस्ता आर्ट कहते हैं। तो दैट मीन्स मिनिएचर पेंटिंग है ये एक, जिसमें गोल्ड एम्बॉसिंग और सिहाई वर्क और मीनाकारी के साथ इसे कंप्लीट किया जाता है। इस तरह बनती है हमारी उस्ता आर्ट। उस्ता आर्ट जो है बहुत ज़्यादा फेमस है इंटरनेशनली, खाली इंडिया में नहीं, बाहर देश में भी। बड़ा रॉयल सी चीज़ लगती है, क्योंकि है ना। तो इसे बीकानेर लाने का क्रेडिट जाता है बीकानेर के 6th जो राजा थे, राय सिंह व करण सिंह, उनको जाता है सारा क्रेडिट इसे इंडिया लाने के। क्योंकि जो उस्ता आर्टिस्ट को ये बीकानेर लेके आए थे, तो इसे और स्पेशली अकबर से, मतलब लाइक ये आया ईरान से दिल्ली में मुग़ल काल में, और अकबर से रिक्वेस्ट करके इन्होंने 6 आर्टिस्ट बुलाए बीकानेर में, और वहाँ इंडियन टच के साथ की एक अलग ही आर्ट निकल के आई इंडिया के साथ मिलके, जो बहुत ही फेमस हो गई और ये बीकानेर की आर्ट कहलाने लग गई। फिर इसे पहले के टाइम पर इसे ऊँट की खाल के अलावा इसे हाथी दांत पे और शुतुरमुर्ग के अंडे पर भी करते थे, पर अब कुछ गवर्नमेंट के रूल्स की वजह से और कुछ हेरिटेज प्रॉब्लम्स की वजह से अब ये यूजुअली किसी भी हार्डबोर्ड पे, किसी भी क्रिस्टल पे, मार्बल पे, इस तरह की कैनवास, इन सब चीज़ों पे बनाई जाती है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये है उस्ताद, एक्चुअली ऊँट की पीठ पर भी इसे बनाते हैं। मतलब ऊँट की पीठ पर इस पे जो डिज़ाइनिंग करके राजस्थान के मेलों में इसकी एग्जीबिशन लगती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें गोल्ड वर्क होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। हर किसी के बस की नहीं है इन्हें खरीदना, क्योंकि इसमें पूरा प्रॉपर गोल्ड वर्क होता है और मीनाकारी तो है ही। अच्छा, राजस्थान की दीवारों में भी, मतलब जो उनके पुराने महल हैं उनकी दीवारों में भी ये काम दिखाई देगा आपको। और इसके कलाकार बोलते हैं ये तपस्या की तरह है, कि जो एक दादा शुरू करता है और पोता तक उस पर हाथ लगाता है, मतलब एक इतना टाइम कंज्यूमिंग है ये, एक तपस्या की तरह काम है। प्रोसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले कोई भी स्मूथ सरफेस लिया जाता है। तो जो एक स्मूथ सा कोई भी चीज़, इसको स्मूथ सरफेस, चाहे वो मार्बल हो, टाइल हो या ये हार्डबोर्ड हो, तो उस पर डिज़ाइन की जो रफ स्केच किया जाता है, और जो ये डिज़ाइनिंग की जाती है वो अखबारा होता है, मतलब एक अखबारा का काम बोलते हैं इसे। उसमें एक स्पेशल गोल, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मुल्तानी मिट्टी, गम, गुड़ और नौशादर से गोल बनाया जाता है, इसे अप्लाई किया जाता है, तो इसे एम्बॉसिंग हो जाती है। और जब ये अच्छे से सूख जाता है, ये जो मैंने अभी आपको घोल बताया, इसको सूखने के बाद इसके ऊपर येलो पेंट किया जाता है 2 लेयर। जी हाँ, ये 2 लेयर येलो पेंट किया जाता है। अच्छा, ये जो मैंने मुल्तानी पे इस बताया, इसको मनौद बोलते हैं इस प्रोसेस को। उसके बाद जब इसमें येलो लेयर लगाई जाती है 2 पे, उसके बाद इसमें लगता है गोल्ड की लीफ, और यह स्पेशल कोई पॉलिश लगाई जाती है, अगर गोल्ड लीफ नहीं लगानी, उस पर किया जाता है ये स्याही, जिसे आप देख रहे हैं जो स्याही बनती है लैंटर्न की राख से, वैसी स्याही से इसकी आउटलाइन की जाती है, और कुछ सरफेसेस को फिल किया जाता है इसे आउटलाइन देने के लिए। तो इस तरह से गोल्ड के ऊपर साइड साइड में इसे फिल किया जाता है स्याही को, और उसके बाद इसमें फिल होते हैं कलर्स। जो भी खाली स्पेस बचता है उसमें कलर करके इस तरह से ये एक मास्टरपीस तैयार होता है। इसके ऊपर फिर एक लैमिनेशन की जाती है। तो ये है इसके जो मटेरियल्स हैं, जो चिकनी मिट्टी है, जो तिल का तेल मिलाया जाता है, और ये प्रोसेस है
स्केचिंग करने का, ये जो ट्रेसिंग करने का औजार है उसके ऊपर, तो इस तरह से बनती है ये ब्यूटीफुल मास्टरपीस। प्रोडक्ट्स तो आप देख ही रहे हैं, अब इसमें बहुत वैरायटी लिया है। खाली जैसे पहले सुराही वगैरह पे दीवारों पे होता था, अब ये इसके शीशे जैसे छोटे मिरर्स बनाते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस, मतलब गिफ्टिंग आज के टाइम पे भी बीकानेर राजस्थान में जो रॉयल फैमिलीज हैं वो अपने सारे गेस्ट को गिफ्ट करने के लिए उनके को सबसे अच्छा जो मीडियम लगता है वो उस्ता ही लगता है। उस्ता के प्रोडक्ट्स बहुत रॉयल लगते हैं, बहुत प्यारे, और लेने वाले को भी बहुत प्राउड फील होता है, बहुत ऑनर फील करते हैं जिन्हें उस्ता आर्ट के प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। तो ये तो बात हुई इसके प्रोसेस के बारे में। अब हम बात करेंगे मोटिव्स। तो जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख ही रहे हैं, इसके मोटिव्स जो होते हैं वो बेल, बूटा, फूल, पत्ती, पक्षी, जानवर, और ये सब भी एम्बॉस किए हुए, मतलब गोल्ड लीफ से इसको एम्बॉस कर दिया जाता है जो भी आपने डिज़ाइन या मोटिव बनाया है। तो ये है उस्ताद। तो ये जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं बड़े रॉयल पीस, बड़े ही प्यारे, एक्सपेंसिव भी काफ़ी होते हैं, मतलब छोटा छोटा ये मिरर्स वगैरह, छोटे छोटे बॉक्सेस भी 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच में स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी बड़ा मिरर और जो जो रोका वगैरह होता है इनके तो प्राइजेस पर बहुत हाई जाते हैं। पर आज भी ये घोड़े के ऊपर, ये ऊँट के ऊपर जो ये डिज़ाइनिंग की जाती है ये आज भी जारी है। तो इस तरह से ये है आप उस्ताद। तो ये एक तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं मिनिएचर पेंटिंग का ये दूसरी तरह का वर्जन है, बट एक्सपेंसिव। तो आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। नमस्कार।